हे गाइस, आज वीडियो हम बात करेंगे हैबिट नंबर 5 की, जो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और ये जो हैबिट है, ये ऑल अबाउट एक गुड कम्युनिकेशन से है। तो ये ली गई है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से, और इसके जो राइटर हैं वो है स्टीफन कोवे। ठीक है, चलिए इसकी हम बात करते हैं। तो जब कभी भी कोई इंसान आपके पास आया होगा प्रॉब्लम लेके, ठीक है, तो आपने उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको कैसे दिया होगा, कैसे आपने एकदम से बोल दिया कि ये देखो ऐसा ऐसा कर लेना, ये एडवाइस है ये, तो आपने क्या इस चीज़ में कभी उस इंसान को ध्यान से सुना है, उसको केयरफुली उसको लिसन किया है कि उसकी क्या प्रॉब्लम कभी फील किया है। तो इसमें यही बताया गया कि अगर कोई इंसान हमारे पास आता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लेके कुछ भी बताता है, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उस इंसान की प्रॉब्लम को ध्यान से सुने, वो इंसान क्या कह रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम उसको फील करें, ठीक है, जिस वजह से उसका जो एडवाइस हमें देनी है, जो भी उसको सॉल्यूशन है उसको हम अच्छे से उसको दे पाए। तो कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो यार रिटर्न फॉर्म में, या तो हम लिख के किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम रीड करते हैं, जब कुछ लिखा होता है उसे रीड करते हैं तो हम समझ पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते किसी से। और दूसरी चीज़ स्पीक करते हैं और लिसन करते हैं, ठीक है, इन तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमने अपने बहुत सारे ईयर्स सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में बिता दिए, यू नो, बचपन से लेके हम लोग बड़े हो गए, अभी भी हम लोग राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग ही करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारा समय निकाल दिए ये सब चीज़ें सीखने में, ठीक है, बट हमें कभी भी एक गुड लिसनर की ट्रेनिंग नहीं मिली, मतलब कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर, ये हमें आज तक कोई सी नहीं बताया कि हमें कैसे एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि वो जब ध्यान से सुनता नहीं टीचर क्या कह रहा है तो वो गलतियाँ करता है काफ़ी सारी, और वो फिर कहता है टीचर की ही गलती है, उसने कुछ मुझे ढंग से नहीं बताया, इट्स ऑल अबाउट टीचर्स फॉल्ट, ऐसे स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेस्ट वे क्या है लिसन। सबसे पहला तरीका जो होगा हमें कम्युनिकेट करने का, कि हम दूसरे इंसान को ध्यान से सुने, ठीक है, उस इंसान को समझो क्या कह रहा है, उसके बाद अपने आप को, मतलब उसके जो भी प्रॉब्लम्स ने बताए उसको थोड़ा एनालाइज करें, फिर उस चीज़ को उसको एक्सप्लेन करें उस इंसान को। वेल, अगर तुम उस इंसान को ढंग से सुनोगे वो क्या कह रहा है, तो तुम उसको क्या रिप्लाई दोगे, तुम उसको क्या बताओगे। तो इसी से एक स्टोरी है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो एक इंसान है, वो उसके पास जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसको कुछ ध्यान दिख नहीं रहा ढंग से, ठीक है, उसके आई में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, उसके प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो कहता है कि ये मैं जो ग्लासेस लगाया हूँ उस टाइम ना, ये ग्लासेस मैं 10 साल से लगा रहा हूँ और एक पेयर यार घर पे भी रखे हैं, तुम ये लगा के देखो, सामने वाला जो इंसान आता है उससे कहता है ऑप्टोमेट्रिस्ट कि तुम ये लगा के देखो तुम्हारा रीज़न अच्छा हो जाएगा। वो क्या कहता है कि अच्छा, तो वो लगाता है, जो लगाता है तो कहता है यार मुझे तो दिख नहीं रहा ढंग से, और मेरी जितना मैं देख रहा था उससे ज़्यादा मेरी आई साइट ख़राब हो गई। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ध्यान से देखो और तुम पॉजिटिव सोचो, थोड़ा पॉजिटिव अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारा विजन और अच्छा हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, उसकी आईज और ख़राब हो जा रही होती है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट सोचता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है। तो इसमें क्या समझ में आया, इसमें ये समझ में आया कि यार उस इंसान ने, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने, उस दूसरे वाले इंसान की प्रॉब्लम नहीं सुनी कि उसके विज़न में क्या प्रॉब्लम है, उसको मायोपिया है, हेट्रोमायोपिया है, व्हाटएवर, कुछ जो कुछ भी, उसने वो प्रॉब्लम नहीं सुनी उसकी और सीधे अपना ग्लासेस उसको दे दिया। क्या ये सॉल्यूशन था उसकी प्रॉब्लम का? नहीं। वैसे हम लोग भी उसी की तरह होते हैं, हम लोग किसी की एडवाइस दूसरों को देते रहते हैं, ठीक है, ये कर लो वो कर लो, बिना समझे उसकी फीलिंग्स को, और रिजल्ट क्या होता है, वो पर्सन का जो विश्वास होता है हमारे ऊपर से हट जाता है, आएगा अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। अगर तुम सच में चाहते हो कि किसी की हेल्प करना, तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, फिर जब तुम समझोगे तो जो उसको सॉल्यूशन बताओगे तो एक ट्रस्ट बनेगा, एक विश्वास, जिससे वो इंसान दोबारा आएगा तुमसे एडवाइस मांगने के लिए, और इसी से एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो हमने क्या सीखा हैबिट नंबर 5 में, कि हमें सबसे पहले दूसरों की प्रॉब्लम है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये था हैबिट नंबर 5। तो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा,